नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास पांचाल। स्वागत है आपका वी प्लस क्रिएशन में। आज हम 12 36 का एक पेज डिज़ाइन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे फोटोशॉप में। जैसे कि यहाँ मैंने एक पहले ही 12 36 का पेज ले रखा है। इस 12 36 पेज में आज हम एक हल्दी का पेज डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ये फ़ोटोज़ हमारे पास हैं, तो चलिए इसके साथ हम एक पेज डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम एक फ़ोटो लेते हैं और इस फोटो को कंट्रोल ए सी से कॉपी करके कंट्रोल डब्ल्यू से डिलीट कर देते हैं। अब हमें एक हल्दी का फील देने के लिए सबसे पहले हमें एक ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट एन से हम नई लेयर लेंगे और जी प्रेस करके एक हल्दी का ग्रेडियंट लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। और इसे थोड़ा सा हम इस टाइप से एडजस्ट करेंगे ताकि एक शीट का एक अच्छा लुक आए। इसे लॉक कर देंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ब्रश इफेक्ट मैंने ले रखा है। अब इस ब्रश इफेक्ट को हम कंट्रोल ए सी से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे ये इस तरीके से। अब जो फोटोज़ हैं इसे फिर से लाएंगे और कंट्रोल ए सी से कॉपी करके इस फ्रेम के अंदर हम पेस्ट करेंगे इस तरीके से। इसे कंट्रोल टी करके अकॉर्डिंग टू साइज़ इसे छोटा या बड़ा जिस तरीके से जो भी फ्रेम में सेट होता है उस तरीके से इसे सेट करेंगे। ये सारी इमेजेस जहाँ से डाउनलोड की गई है उस की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इमेज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस शीट की। तो वापस हम एक फ़ोटो लेते हैं, कंट्रोल ए सी से कॉपी करते हैं, वापस इसे शीट पर पेस्ट करके इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं इस तरीके से। और इसमें एक बढ़िया लुक देने के लिए, इसमें स्पेशल इफेक्ट देने के लिए हम शिफ्ट के साथ माइनस प्लस करेंगे, तो ये शीट में ऑटोमेटिक एक इफेक्ट क्रिएट करेगा, जिससे कि हम इस तरीके का एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। और इसे एक फेदर दे देते हैं, इधर से इरेजर टूल लेके इसे थोड़ा सा इरेज कर देते ताकि मिक्सअप हो जाए शीट के साथ इस तरीके से। ये करने के बाद अपनी थोड़ी शीट का लुक बढ़िया आने लग गया। आप जैसे कि इसे थोड़ा सा और क्रिएटिव करने के लिए एक बुके लेते हैं, कंट्रोल ए सी से इसे कॉपी करके फिल करेंगे और सेम वही मेथड से हम इसे भी डिज़ाइन करेंगे ये। अब इससे हमारे पास बचे हैं तीन फ़ोटो, एक दो और ये तीन। अब इन तीनों फ़ोटो को एक साथ फोटोशॉप में लाते हैं और एक फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो एम टूल के साथ हम एक यहाँ न्यू लेयर बना के फ्रेम क्रिएट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ, और एक हमारी फ्रेम क्रिएट हो गई है। इसी कॉपी करते हैं ये, और इन फ्रेमिंग के बीच में आपको गेप हमेशा सेम रखना है। आप एक फ्रेम क्रिएट करें, दो करें या तीन, उससे आपकी एक शीट में एक अच्छा लुक आएगा। जैसे कि हमने यहाँ दो फ्रेम ले लिए और एक फ्रेम हम इस तरीके की एक और लेते हैं ये, एक दो तीन, और हमने इसके बीच में तीन की गेप रखते हैं, एक दो तीन इस तरीके से। गेप रखने के बाद इसे सेंटर में लेंगे और इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि हमारे दूसरे फोटोज के साइज के अकॉर्डिंग ये थोड़े छोटे रहें इस तरीके से। एक वापस एम टूल से हम एक स्ट्रोक क्रिएट करेंगे इस तरीके से और कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ एक न्यू लेयर बना के स्ट्रोक देंगे इसमें, जैसे कि हमने एक स्ट्रोक दे दिया है। अभी इसे हम ब्लैक स्ट्रोक और देंगे फ्रेमिंग के लिए ताकि ये दिखे। व्यू टूल यू प्रेस करेंगे कस्टम शेप के लिए, हम कस्टम शेप पे जाते हैं और जैसे कि यहाँ मल्टीपल शेप्स हैं तो यहाँ पर हम कोई सा भी एक शेप जो आपका आपको अच्छा लगे, जैसे मैं ये यूज़ कर देता हूँ, तो इसे हम सिर्फ इस तरीके से शेप क्रिएट करेंगे ये, और इसे हम इस तरीके से यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये कि अच्छा लुक आने लग गया है। अब ये जो तीनों फोटोज़ हमने लिए थे कंट्रोल ए सी से कॉपी करेंगे और इसी के अंदर फिल करते जाएंगे
जैसे कि ये कर दिया हमने एक फोटो, और इसे फ्रेमिंग के हिसाब से छोटा या बड़ा करेंगे ये इस तरीके से। अब ये को लास्ट फोटो सेम ये थे। ये इतना करने के बाद आपकी एक शीट रेडी हो चुकी है। अब जैसे यहाँ पे एक हल्दी का शीट है, तो यहाँ पे कुछ हल्दी का टेस्ट हम लिख देते हैं। जैसे हमारे पास एक ये है, तो इसे हम शीट में ले आएंगे इस तरीके से, और इसे थोड़ा छोटा करके इस तरीके से ऐड करेंगे। ये कंट्रोल अल्ट, ये हो गया हल्दी। ठीक है, हल्दी की शीट हमारी तैयार हो चुकी है। इसी टाइप की डिज़ाइनिंग सीखने के लिए वी प्लस क्रिएशन को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ताकि थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।